फ्रेंड्स आपने पहचान लिया होगा, गाना है उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, फिल्म गदर का बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो आज मैं इसका लेसन देने जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स गाना, ये देखिए, ये है आपका लिरिक्स दिया हुआ यहाँ पे, ऊपर होल नंबर्स में दिए हुए हैं नोटेशन, जो होल आपको बजाने हैं। बी मतलब आपको ब्लो करना है, फूकना है, और डी मतलब आपको खींचना है, ड्रॉ करना है। यहाँ पे सरगम में नोटेशन दिया हुआ है, जो सरगम बजाना सीख गए हैं जानते हैं, वह किसी भी माउथ ऑर्गन पे ये सरगम नोटेशन देख के बजा सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, टावर का है, क्रोमेटिक हारमोनिका, या फिर कोई भी 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, तो आप ये नोटेशन देख के बजा सकते हैं होल नंबर्स। इसमें मुखड़ा में तो ये स्लाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना स्लाइडर का भी आप किसी भी 24 होल्स के माउथ ऑर्गन पे बजा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाना शुरू होगा कहाँ से, उड़ जा, 11-13 में आपको दोनों में ब्लो करना है, तो उड़ निकल जाएगा, ठीक है। जा 13 में आपको ब्लो करना है, काले 13 और 14 में ब्लो करना है, 14 में खींचना है, काले निकल जाएगा, कांवा 13 में दो बार आपको ब्लो करना है, ठीक है। तो देखिए मैं बजा रहा हूँ आपके सामने, आप नोट्स देखते रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए, मैं स्लो में बजाऊंगा ताकि आप देखकर सीखते रहें। देखिए 11-13 शुरू होता है गाना ब्लो करके, उड़ जा काले कावा, 11-13, 13-13, 14-13, 13 ठीक है। पहला लाइन, तेरे मुंह विच खंड पावा, तेरे 11-9-10, मुंह 10-13, विच 13, खंड पावा 13-14-13। तेरे 11-9-10, ठीक है, 11-9-10 देखिए, तेरे मुंह विच खंड पावा। एक्चुअली ये दो लाइन एक साथ आप बजाएंगे तब आपको बजाने में ठीक लगेगा, क्योंकि ब्रेक ब्रेक करके हम लोग लाइन सीख रहे हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूसली नहीं बजाने से वो लय नहीं मिल पाता है। तो आप जब एक साथ बजाएंगे तो इस तरह बजेगा, देखिए पहला लाइन और सेकेंड लाइन, ठीक है, तेरे मुंह विच खंड पावा, फिर से देखिए लास्ट बजा रहा हूँ, सेकेंड लाइन हो गया, थर्ड लाइन, ले जा तू संदेशा मेरा, ये एकदम पहले लाइन जैसा है, आपने जो लाइन बजाया था उड़ जा काले कावा एकदम बिल्कुल उसी लाइन का है, देखिए, ले जा तू 11-13, ले जा तू 13-13 में दो बार ब्लो करना है, संदेशा 14-13-13 आपको बजाना है, और मेरा 11-9-10। और अगर सरगम बजाना चाहते हैं तो म ग प प प ध प प और ग सारे, ठीक है, फिर से देखिए, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सड के जावा, मैं 10 सट के 13-13 में दो बार ब्लो करना है, जावा 14-13 यानी कि रे प प ध प, मैं सड के जावा, ठीक है। नेक्स्ट, बागों में फिर झूले पड़ गए, आपको थोड़ा सा जंप करना है, 19 में आ जाना है, ठीक है, 19-19 बागों में फिर 19-19, 19-19, ठीक है, चारों में ब्लो करना है, बागों में फिर निकल जाएगा, झूले 18-19-18 और पड़ गए 17-17, देखिए इस तरह से शुरू करता हूँ, देखिए 19 से, बागों में फिर झूले पड़ गए,
बागों में फिर झूले पड़ गए। फिर से देखिए लास्ट टाइम स्लो में बजा रहा हूं। बागों में फिर झूले पड़ गए। नेक्स्ट, पक गई मिठियां अंबियां। पक गई मीठी अंबिया, पक गई, पक 1770 में दो बार अपलोक करना है, गई 1817, मीठियाँ 1413, 1412, सॉरी 1415 और अंबिया 1515। देखिए स्लो में बजाता हूँ। पक गई मीठियाँ अंबिया, फिर से देखिए, स्लो में बजाता हूँ। देखिए पक गई मिठियाँ अंबियाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये छोटी सी जिंदगी ते, ये छोटी सी, आपको देखिए 15 15 15 15, ठीक है। और फिर जिंदगी ते 16 18 17 14, जिंदगी निकल जाएगा, ते 15। देखिए स्लो में बजाता हूँ। ठीक है, ये छोटी सी जिंदगी ते, लास्ट में ते, सॉरी ते, ते में आपको 12 बजाना है, खींचना है। तो ये छोटी सी, देखिए, फिर देखिए, ये छोटी सी जिंदगी ते, ये जिंदगी में आपको 16, 18, 17, 14, 16 में खींचना है, 18 में खींचना है, फिर 17 में फूकना है, 14, और 14 में खींचना है। लास्ट टाइम देखिए, ये छोटी सी जिंदगी ते, रात लंबियां लंबियां, रात 12, 13, लंबियां 13, 14, 14, 13, लंबियां, सेकेंड लंबियां जो है 12, 13, 13, ठीक है। देखिए रात लंबियां लंबियां, रात 12 13, ठीक है। स्लो में बजाता हूँ, फिर से देखिए, रात लंबियां लंबियां, ठीक है। ये आप एक साथ जब बजाएंगे फ्रेंड्स तब अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइन आप ब्रेक ब्रेक करके बजाएंगे तो वो लय नहीं मिलता, मिल पाता, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जब आप सीख जाएंगे, जब एक साथ बजाएंगे तब वो लय आपको मिलेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, रात रात हो गया, लंबिया, सॉरी, रात लंबियां लंबियां, ठीक है। लास्ट एक बार बजा देता हूं, देखिए, रात लंबियां लंबियां, ठीक है, रात लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी। ओ घर 11, 10, 11, ओ घर निकल जाएगा, आजा 10 9, परदेसी 9 10 10 13 13, ये बजा के फिर आपको ये म्यूजिक बजा देना है 14 13, ठीक है। इस तरह से देखिए, लास्ट में टहर है, वो घर आजा परदेसी, ये जो ई, इस पार्ट को बजाने के लिए 14 13, ठीक है। स्लो में देखिए, ठीक है, लास्ट लाइन, कि तेरी मेरी एक जिंदरी, कि तेरी 13 12 13, मेरी 12 11, एक 10 11, जिंदरी 10 9 9, यानी कि प म प म ग रे ग रे सा सा। स्लो में बजाता हूँ, देखिए,
सॉरी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ठीक है। तो इतना आप सीख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द बना दूंगा ताकि आप पूरे गाने को सीख जाएं और बजा सकें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।